से जुड़ा हुआ एक और अपडेट सामने आया है। यूक्रेन के खेरसोन से नई तस्वीर कुछ सामने आई है, जहां रूस का एक टैंक बरामद किया गया। रूस के एक टैंक को दूसरे टैंक से खींच लेने का यह वीडियो सामने आया। रूस और यूक्रेन युद्ध हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खौफनाक होता जा रहा है, और रूस जहां पर कई तरीके के दावे कर रहा है, वहीं कब्जे को बरकरार रखने के लिए यूक्रेन पर अटैक भी कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन अपनी जमीन वापस पाने के लिए रूस पर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दे रहा है। ये लड़ाई जमीन की है, इतना भीषण हमला अपनी जमीन को दुश्मन से मुक्त कराने का है। ये रॉकेट रूस पर फायर किए जा रहे हैं और फायर करने वाला देश है यूक्रेन। रॉकेट की ऐसी आतिशबाजी जो दुश्मन को खौफ से भर दे। यूक्रेन के ऐसे ही हमलों का नतीजा है कि रूस यूक्रेन की जीती हुई जमीन छोड़ने को मजबूर हो गया है। दिवाली के पटाखों की तरह रॉकेट अटैक जो दुश्मन पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला कर रहे हैं, जिससे रूस की सेना के साथ ही उनके हथियारों को भी काफी नुकसान हो रहा है।